भारतीय टीम ने क्रिकेट की दुनिया के सारे रिकॉर्ड कर दिए ध्वस्त। रोहित के आगे बांग्लादेश हो गई पस्त। ऐसा मायाजाल बिछाया कि बांग्लादेश को कुछ समझ में नहीं आया। बुरी तरह फंसा बांग्लादेश। बांग्लादेश के लिए आ गई थी कयामत। तूफान बन गए रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली। केएल राहुल ने उड़ाई गेंदबाजों की धज्जियां। थर थर कांपती रही पूरी बांग्लादेशी टीम। रोहित शर्मा ने बदल दिया सारा खेल। अब पक्की हो गई भारत की जीत। पांचवें और आखिरी दिन के लिए रोहित का खतरनाक प्लान है तैयार। बांग्लादेश को मिलेगी सबसे बुरी हार। बांग्लादेश की टीम को ऐसा लग रहा होगा जैसे वो कोई सपना देख रही है। जिस सपने में रोहित शर्मा छक्कों का तूफान ला रहे हैं, जिस सपने में विराट कोहली कोहराम मचा रहे हैं, जिस सपने में केएल राहुल गेंदबाजों की धुलाई कर रहे हैं, जिस सपने में यशस्वी जायसवाल बांग्लादेश की गेंदबाजों के लिए काल बन रहे हैं। भारतीय टीम कितनी खतरनाक बल्लेबाजी कर सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में देखने को मिल गया। हमेशा से टीम इंडिया के लिए बल्लेबाजी मजबूत कड़ी रही है, लेकिन टेस्ट मैच को T20 बनाकर भी टीम इंडिया खेल सकती है। ऐसा किसी ने आज से पहले सपने में भी नहीं सोचा होगा, मगर अब ऐसा हो गया है। टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में एक साथ करीब 5 रिकॉर्ड ध्वस्त हुए, वो रिकॉर्ड जो शायद अब कभी नहीं टूटेंगे। यकीन मानिए, जिस तरीके की बल्लेबाजी टीम इंडिया ने करके दिखाई, दिलेरी जिस तरीके से रोहित शर्मा ने दिखाई, जो गेम प्लान रोहित शर्मा ने कर दिया वो बहुत ही अलग लेवल का है। गौतम गंभीर के साथ मिलकर रोहित शर्मा बहुत बड़ा खेल कर गए। क्या है पूरी कहानी और कैसे बांग्लादेश अब हार की दहलीज पर पहुंच चुका है, आपको इस 3 मिनट की वीडियो में हम बताते हैं। मगर सबसे पहले चर्चा करते हैं कि टीम इंडिया ने कौन से धांसू रिकॉर्ड अपने नाम किए। जब खेल शुरू हुआ था तो शायद सभी को लगा था कि ये मैच तो ड्रॉ हो जाएगा क्योंकि ज्यादा वक्त ही नहीं है, मगर रोहित शर्मा की एक चाल ने पूरी कहानी बदलने का काम कर दिया। पहले घातक गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह की तरफ से करवाई गई, रोहित शर्मा ने उसके बाद बल्लेबाजी में टीम इंडिया की तरफ से अलग लेवल का खेल दिखाया। आपको बताएं कि टेस्ट क्रिकेट में 3 ओवर में 50 रन बनाने वाली भारतीय टीम पहली टीम बन गई, जो कि अपने आप में एक इतिहास है। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टेस्ट मैच को यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा T20 बनाकर खेल रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रोहित शर्मा ने अपने नाम भी क्या गजब का रिकॉर्ड बनाया है। पहले कभी भी क्रिकेट के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जब किसी ओपनर ने टेस्ट में अपनी पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के लगाए, मगर रोहित शर्मा ने यह करके दिखाया। रोहित ने ऐसा कर अपना इरादा शुरुआत में ही साफ कर दिया था कि वो क्या चाहते हैं। रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत ही भारतीय टीम पहली ऐसी टीम बन गई जिसने एक साल में सबसे ज्यादा 96 छक्के लगाने का काम किया। इतना ही नहीं, एक इनिंग में सबसे ज्यादा अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो भारतीय टीम ने उसमें भी महारत हासिल कर ली। 8 रन से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से टीम इंडिया ने रन बनाए। इतना ही नहीं, टेस्ट में सबसे तेज 50 रन की पार्टनरशिप जो कि 19 गेंदों में की गई वो भी इसी मैच में हुई। और तो और, टेस्ट में सबसे तेज 200 रन बनाने वाली पहली टीम इंडिया बन गई। 24 ओवर में ही यह कारनामा टीम इंडिया ने करके दिखाया। टेस्ट में सबसे तेज 100 रन बनाने का कारनामा भी टीम इंडिया ने कर दिखाया। 10 ओवर में ही ऐसा कर दिया जिससे कि आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ प्लान रोहित शर्मा का रहा होगा। भारतीय टीम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के सामने 285 रन पर पारी को डिक्लेयर कर दिया। यहां से रोहित का प्लान था कि अब आगे गेंदबाजी की जाए और 1-2 विकेट निकाले जाए। रोहित ने जो प्लान तैयार किया था हुआ भी वही। दूसरी पारी में बांग्लादेश को 26 रन पर 2 झटके लगे। अब अगले दिन कोशिश यही होगी कि किसी भी सूरत में बांग्लादेश को जल्द से जल्द लौटा दिया जाए और जो कुछ भी रन हो बनाकर इस मुकाबले को अपने नाम किया जाए। रोहित शर्मा की दिलेरी वाली कप्तानी पर आप क्या कहेंगे, कमेंट की तरह बताएं।